नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रभा वाजपेयी। आइए डालते हैं एक नजर यूबी की छोटी बड़ी सभी खबरों। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज। जुर्म का पर्दाफाश। सबसे पहले सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। और आज हम उपस्थित हैं निचलौल ब्लॉक क्षेत्र के दर्जनिया ताल में, जहां पर्यटक स्थल भी बन चुका है, लेकिन यहां की व्यवस्थाएं अपने आप में शर्मिंदित हो रही हैं। यहां विधायक, सांसद जी, यहां तक कि मंत्री भी हैं इस समय, लेकिन ये दर्जनिया ताल एक तरफ नेपाल सीमा तो एक तरफ बिहार सीमा से लगी हुई है। और यहां मगरमच्छ की वजह से यह जगह फेमस हुआ है और तमाम लोग आते हैं यहां मगरमच्छ को देखने। और पिछले कुछ वर्षों पहले यहां पर्यटक स्थल बना, लेकिन यहां की व्यवस्थाएं बिल्कुल खराब है। सिर्फ नाम मात्र का बना हुआ है दर्जनिया ताल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां व्यवस्थाएं लुंज पुंज नजर आ रही है। इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे युवा नेता प्रभाकर जायसवाल जी से। प्रभाकर जायसवाल जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यह बताइए कि यह कितने दिनों पहले अस्तित्व में आया? ये करीब 4-5 सालों से धीरे धीरे इसका मतलब व्यवस्थाएँ हो रही हैं, लेकिन अभी चुप पटरी पर आना चाहिए था, नहीं हो पाएगा। हमारे माननीय जो हैं वो इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि यहाँ पे प्रजनन केंद्र बने, झूले का पुल भी हो, लेकिन अभी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं दिख रहा है। धरातल पे भी धीरे धीरे इंटरलॉकिंग का काम चालू हो गया है और 1 तारीख को पर्यटक करीब 10,000 से ज़्यादा आते हैं, 5,000 से ज़्यादा। लेकिन जो व्यवस्थाएँ होती हैं हर साल वो नहीं हुई है। जंगल झाड़ी पूरी तरह हुई है, जलकुंभी भी नहीं निकाला गया है। इसके संबंध में मैं कुछ अधिकारियों से वार्ता कर 1 तारीख को मतलब अच्छी तरह से इसको हम लोग बना लेंगे कि पर्यटक आएँ, दोबारा ऐसा ना हो कि एक बार आएँ कि दोबारा उनको न मन हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग इसकी सारी व्यवस्थाएँ करेंगे। जैसा कि हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि वो टीले पे मगरमच्छ है, कई जगह मगरमच्छ दिख रहे हैं और मगरमच्छ की वजह से ही दर्जनिया ताल फेमस हुआ है। प्रभाकर जी, इस ताल में लगभग कितने मगरमच्छ होंगे? करीब 300 से ऊपर। अच्छा, 300 से ऊपर करीब होंगे, लेकिन यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? व्यवस्था बिल्कुल खराब हुई है हर साल से। अभी पहले व्यवस्था हो जाती थी 1 महीने पहले, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो लापरवाही कर रहे हैं। और इस संबंध में डिपो महोदय से मैं शाम को बात करूँगा और इसके हालत से अवगत कराऊँगा मैं। यहाँ जो सांसद हैं वह इस समय मंत्री भी हैं और माननीय विधायक जी का ये दूसरा कार्यकाल है। आखिर यह उपेक्षा का शिकार क्यों है, जबकि बगल में एक तरफ नेपाल सीमा है तो दूसरे तरफ बिहार सीमा है, उसके बावजूद भी अगर यहाँ व्यवस्थाएं हों तो पर्यटक आएंगे, लेकिन पर्यटक स्थल तो बना दिया गया है और यहाँ की व्यवस्थाएं निम्न स्तर की हैं। जैसा कि यहाँ जो ये सड़क बना है, सड़क चलने लायक नहीं है, तमाम दिक्कतें हैं। जैसा कि तालाब में भी साफ़ सफाई नहीं है और यहाँ इस समय भी, आज संडे का दिन है और इस समय भी यहाँ लोगों का आना जाना है। और यहाँ तक कि पहले टिकट की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि एक बैरियर बना हुआ है और वहाँ रोक के पूछ रहे हैं लोग कि बाइक अंदर जाएगी या यहाँ रहेगी। अगर बाइक अंदर नहीं जाएगी तो आप नहर पे खड़ा करेंगे, अगर बाइक अंदर लाना है तो 50-60 रुपये आपको देने पड़ेंगे। और ये किस तरह का व्यवहार हो रहा है, जबकि यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है, लोगों को छला जा रहा है। अगर लोगों से छल के ही यहाँ व्यवस्थाएँ सुदृढ़ होती तो कुछ समझ में आता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। किस लिए टिकट लग रहा है, इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करना चाहेंगे फिर हम कि प्रभाकर जी, यहाँ जो टिकट की व्यवस्था की गई है, पहले टिकट की व्यवस्था नहीं थी और अब टिकट लेकर कोई 50-60 रुपये खर्च करके और अपने बाइक को अंदर ला रहा है, तो क्या उससे क्या बेनिफिट होने वाला है? अब कहने का मतलब कि विभाग को बेनिफिट होगा, लेकिन जनता जो एक बार आएगी वो 55 रुपये का टिकट कटा के दोबारा यहाँ पे कदम नहीं रखेगी, क्योंकि व्यवस्थाएं भी नहीं है। पैसा मुझे लगता है कि बेकार जा रहा है पर्यटक का 55 रुपये। जहाँ तक टिकट की बात है ठीक है, लेकिन उसके अनुसार अगर व्यवस्थाएं होती तो समझ में आता है, लेकिन अंदर आने पर व्यवस्थाएं भी नहीं है। उसके बावजूद यहाँ लोगों को छला जा रहा है। पहले तो उत्सुकता होती है लोगों में कि हम मगरमच्छ देखने जा रहे हैं, यहाँ आकर वो 55-60 रुपये देगा उन लोगों को टिकट के लिए,
उसके बाद आएगा यहाँ, उसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है। बॉर्डर क्षेत्र है, क्या उसकी बाइक सुरक्षित है, नहीं सुरक्षित है? अगर स्टैंड होता तो समझ में आता, स्टैंड भी नहीं है तो फिर आखिर टिकट किस बात का? बस एक मतलब विभाग आम जो पर्यटक है उनको बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश में काफ़ी लोकप्रिय है पर्यटक, जिले के सारे जिले से कोने कोने से लोग आते हैं इसको देखने के, लेकिन जब जाते हैं तो उनको चेहरे पे खुशी नहीं दिखती है कि ये बात पैसे की नहीं है, व्यवस्थाएँ नहीं है, दोबारा आते नहीं हैं। इस संबंध में वित्त मंत्री यहाँ पे आए हुए थे, एक हफ्ते पहले अधिकारी को फटकार लगा, हमारे विधायक जी भी अधिकारी कर्मचारी को फटकार लगाए थे। इस संबंध में चर्चा हो रही है, मुझे लगता है धीरे धीरे पटरी पे रफ्तार पकड़ेगी, लेकिन टिकट हम उसकी नहीं लेना चाहिए फिलहाल। प्रभाकर जी, मैं काफ़ी दिनों से आ रहा हूँ लेकिन इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी कि टिकट लेना है, ये लेना है, वो लेना है। ठीक है, वो 55 नहीं 100 रुपये लें, लेकिन उसके अनुसार व्यवस्थाएँ हो तब तो। आखिर क्या चल रहा है, क्या जो बाइक लेकर अंदर आ रहा है उसकी सुरक्षा है? बॉर्डर क्षेत्र पे है, कभी भी गाड़ी चोरी हो सकती है, तो 55 रुपये 60 रुपये जो आ रहा है वो क्यों देगा? हाँ, क्यों देगा, जब वो व्यवस्था देखेगा उस तरह का कि है 55 रुपये का या 55 पैसे की सारी व्यवस्था नहीं की है, तो वो दोबारा बिल्कुल खुश होकर नहीं जाएगा और ये बिल्कुल दो बातें कहेगा, जहाँ जाएगा वहाँ कहेगा कि यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है पर्यटक के साथ। इससे इसमें काफ़ी इसका अस्तित्व गिरेगा कि जो लोग में जिस संदेशा पहुँचेगा वहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ बौकाल बनाया जा रहा है, पैसा लग रहा है, तो गलत हो रहा है। आज मैं जब आया हूँ तो आज भी वही व्यवस्थाएं हैं जो पहले थी, कुछ नहीं बदला है, तो फिर ये वन विभाग के कर्मचारी जो हैं वहाँ बाइक रोक रहे हैं, अंदर जो ला रहा है टिकट दे रहे हैं, तो जब व्यवस्थाएं सुदृढ़ नहीं है तो आखिर किस बात का पैसा ये लोग ले रहे हैं, वन विभाग के लोग? और क्या दर्जनिया ताल में इस तरह से ऐसा रहेगा तो लोग आएंगे, नहीं आएंगे जहाँ तक हमारा सोच है? क्योंकि जब वह 55 से 60 रुपये देगा गाड़ी का तो उसकी सुरक्षा भी होनी चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए। और रही बात ताल की, तो माननीय मंत्री जी से आपकी क्या वार्ता हुई? मौके पर नहीं थे, लेकिन जहाँ तक न्यूज़ चैनल के माध्यम से पता चला कि मंत्री जी आए थे, मैं कहीं गया था तो उन्होंने फटकार लगाई थी और व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने के लिए कहा था। और हर एक तारीख को लखनऊ से कोई ना कोई बड़ा अधिकारी आया था, इससे पहले चीफ आए थे तो उनको मैंने बताया था कि कुछ यहाँ बदलाव होना, उन्होंने बोला था कि आश्वासन दिया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, अगर कोई आता है तो इस संबंध में बात किया जाएगा उनसे। जंगल के बीचों बीच दर्जनिया ताल है, यहाँ लोग किस लिए आते हैं? यहाँ पर आते हैं लोग नदी देखने, हमारा वहाँ तेलफाल है और दर्जनिया में मगरमच्छ देखने आते हैं, अपना वॉच टावर बना है कि चलते हैं वॉच टावर कैसे देखते हैं, जब यहाँ आते हैं तो वो खुश नहीं रहते हैं, मन में उदासी रहती है। जैसा कि वॉच टावर की बात आप किए हैं तो कैमरामैन से चाहूँगा थोड़ा वॉच टावर दिखाने की कष्ट करें। आप देख सकते हैं कि वॉच टावर भी लग रहा है कि 19वीं सदी का ही बना हुआ है, कोई व्यवस्था उस पर भी नहीं है, जबकि व्यवस्थाएँ सुदृढ़ होनी चाहिए, फिर आने में और पैसा देने में किसी को खलेगा नहीं। लेकिन यहाँ जो सीधा लूट हो रही है 50, 55, 60, ये क्या लिया जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है, ये टिकट किस लिए दिया जा रहा है जब यहाँ व्यवस्थाएं नहीं है? व्यवस्थाओं को तो कोई दिखाएगा नहीं, जो आता है मगरमच्छ देखता है, और भी तो लोगों के लिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए। ये पर्यटक स्थल है तो पर्यटक स्थल जैसा होना चाहिए, क्या विचार है आपका इसके? हाँ, आपके आप जो कह रहे हैं सही है, पर्यटक होता है पर्यटक स्थल की तरह होता है। जब पैसे आप बना दीजिए इसके बढ़िया से, तब आप टिकट की व्यवस्था की जाए, नहीं तो इस चीज़ को वापस ले लिया जाए। संबंध में माननीयों से कहा जाएगा और अधिकारी से वार्तालाप किया जाए कि आप अपने पहले व्यवस्था बनाइए, उसके बाद टिकट की बात किया जाए। इस तरह तो पब्लिक का आँख में धूल झुका जा रहा है। आपका नाम कहाँ से है? सीसमा से यहाँ आए हुए हैं क्या देखने? मगरमच्छ कैसा लगा इस समय देख के आपको? व्यवस्थाएं कैसी लग रही हैं? व्यवस्था खराब है, पहले पैसा नहीं लग रहा था, पैसा लग रहा। कितना लिया गया पैसा? 50-60 रुपये। पैसा 60 रुपये इनसे भी लिया गया है, और वो क्या बताया? टिकट दिए हैं? टिकट पे क्या लिखा हुआ है, पढ़े हैं? जैसा कि भाई साहब भी बता रहे हैं कि टिकट लेना पड़ा है 60 रुपये देकर, जब यहाँ व्यवस्थाएं नहीं है, 40-50 किलोमीटर की दूरी से यह आए हम मगरमच्छ देखने, लेकिन यहाँ आकर 60 रुपये का टिकट लेना और दुर्व्यवस्थाओं को देखना, ये कहाँ तक जायज है? प्रभाकर जी, इसी मुद्दे पर हम और चर्चा करेंगे कि
आखिर ऐसा क्यों है और लोग इससे आएंगे या फिर मुंह मोड़ लेंगे, इस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी? बिल्कुल मुंह मोड़ लेंगे, जब ऐसी व्यवस्थाएं रहेंगी तो कोई भी हमें शिकायत मिली थी कैसे कि पैसा वैसा लिया जा रहा है, तभी वार्तालाप हो गया अधिकारियों से, देखते हैं क्या कहते हैं, जब व्यवस्थाएं नहीं है तो इस चीज़ को वापस किया जाए नहीं तो बंद किया जाए इसको। जैसा कि जंगलों में जो भी वाहन होते हैं ले जाना मना होता है, लेकिन अगर मना होता है उसके आधार पे लोग टिकट दे रहे हैं तो वहाँ स्टैंड होना चाहिए, क्या विचार है आपका? हाँ, पार्किंग होना चाहिए, आखिर में पैसा इतना ले रहे हो क्योंकि पार्किंग की व्यवस्था भी कराइए, नहीं तो वो आके घूम रहे हैं इधर, बाइक चोर है जी इसकी जिम्मेदारी को लेकर वहाँ पे गार्ड भी नहीं है जो गाड़ी खड़ा कर रहे हैं लोग, बिल्कुल रोड पे खड़ा कर रहे हैं, पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, सुरक्षा नहीं है, वो अंदर ला रहे हैं, वो घूमने चले आ रहे हैं, वो रोड पे खड़ा किए हैं, जंगल एरिया है, बिना पार्किंग की गाड़ी सुरक्षित रहेगी? जैसा कि हमारी बात हो रही थी प्रभाकर जायसवाल जी से, प्रभाकर जायसवाल जी युवा नेता हैं, समाज सेवी हैं और समाज के लिए काफ़ी संघर्षरत रहते हैं, चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? हम यही चाहेंगे कि मीडिया बंधु आप जैसे आए हैं इसी तरह सब लोग यहाँ पे आके इसको खबर चलाएं और माननीयों से भी पूछें, कुछ अधिकारी से पूछें आखिर में इसको कहाँ, मतलब अभी इसकी गिरफ्तार पकड़नी चाहिए, कब से पकड़ेगी, और जो टिकट की बात हुई, पार्किंग की व्यवस्था हुई, शौचालय की मैं चाहूँगा यहाँ पे हो, तो उस चीज़ की व्यवस्था जल्द होके आप लोग के मीडिया के माध्यम से। वॉचिंग दिस वीडियो, टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।